हरिद्वार से दर्शन करके लौट रहे श्रद्धालुओं के टेम्पो को कैंटर चालक ने टक्कर मार दी, जिसके चलते एक श्रद्धालु की मौत हो गई जबकि ऑटो में सवार 10 श्रद्धालु घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक जिले के गांव बिंजल से एक ही परिवार के 12 लोग बीते दिनों हरिद्वार दर्शन के लिए गए थे। उन्होंने बताया कि बीती देर रात वो हरिद्वार से वापस अपने गांव लौट रहे थे कि यमुना बॉर्डर पार करने के बाद टोल के पास तेज रफ्तार से आ रहे कैंटर ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसके चलते 10 लोग घायल हो गए और एक श्रद्धालु की मौत हो गई। हम हरिद्वार से अपने गांवदार थे, तो टोल के पास हमारे साथी जो साइड में चल रहा था ट्रक वाला, नासिम दे रखा ड्रिंक करा हुआ था और उन्हें ऑटो में ठोक दी गाड़ी एवं एक की मौत हो गई, चार तो पांच तो फ्रैक्चर कर दिए तक और एक की मौत हो गई यहाँ से। कितने लोग थे आप? हम 12 दिन बच्चे समेत था तकरीबन। कब गए थे? हम 25 तारीख को गए थे। तो हादसा कैसे हुआ, किस वक्त हुआ? ये 11:30 के बाद। उन्होंने बताया कि कैंटर चालक नशे में था। फिलहाल हादसे में घायल 4 लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें PGI रेफर किया गया है, जबकि अन्य घायलों का इलाज पानीपत के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। हमको 5 दिन हो गए थे, हरिद्वार जा रहे थे, पूरी फैमिली थी, तो सर आते वक्त वहाँ से बिल्कुल ठीक ठाक चले थे। आते वक्त हमने क्रॉस किया बॉर्डर जमुना का, तो वहाँ पर टोल टैक्स था। टोल टैक्स मिलने के बाद एक ऐसे रॉन्ग साइड से प्रकार था, तो एकदम टेम्पो में टक्कर मारे, ड्रिंक बहुत ज़्यादा कर रहा, तो कोई स्वाद नहीं है। मैं कहाँ चल रहा हूँ, कहाँ क्या दिख रहा हूँ, उसको कोई स्वाद नहीं थी। उन्होंने सीधा बिल्कुल एकदम फूक दी, उसी टाइम मेरा पलटर लग गया टेम्पो का, काफ़ी बंदों का चोट आ गया है, 5 बंदों का चोट वैसे ही है, उनमें से एक लड़की गुड़िया बची है और एक मौके पर डाक हो गया। हादसे में मृत श्रद्धालु के शव को पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के सरकारी अस्पताल में रखवाया गया है और पुलिस द्वारा सारे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। तो आपसे अपील, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह।